आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आगरा में धागे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बचाई दो लोगों की जान। थाना एतमादुल्ला क्षेत्र की पूरी घटना। आगरा में धागे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बचाई दो लोगों की जान। थाना एतमादुल्ला क्षेत्र की पूरी घटना। आगरा में धागे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितनी भीषण आग लगी है, लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड कर्मियों ने बचाई दो लोगों की जान। थाना एतमादुल्ला क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही। आगरा में धागे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, तस्वीरें देख सकते हैं आप, कितनी भीषण आग लगी हुई है, लाखों का सामान जलकर राख हो गया है। दो लोगों की जान बचाई जा चुकी है फायर ब्रिगेड द्वारा। आगरा में धागे की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। फायर ब्रिगेड ने बचाई दो लोगों की जान। थाना एतमादुल्ला क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही। इस खबर पर मैं से ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता ममता जुड़ चुकी है। ममता, किस वजह से यह आग लगी है? बिल्कुल श्रीरा, मैं आपको बता दूं कि ये आगरा के थाना एतमादुल्ला क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां एक फैक्ट्री थी, उसमें भीषण आग लग गई। धीरे धीरे देखते ही आग ने पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। ये बताया जा रहा है यह शॉर्ट सर्किट का आग लगी है। जी जी जी, तो कितने का सामान का नुकसान बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, जहाँ नुकसान की अगर हम बात करें तो नुकसान लाखों की लपेट में है। ये पूरा नुकसान का जो आंकड़ा लगाया जा रहा है, फिलहाल कुछ भी कहना अभी ठीक नहीं है। जी ममता, जब ये आग लगी तो वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे? बिल्कुल, जब ये आग लगी तो रात का समय था, ये सुबह 4:30 बजे की लगभग घटना रही। तो ये आग लगी तो यहाँ एक महिला और एक उसकी बेटी, वह फैक्ट्री के अंदर मौजूद थी, जिसको मुश्किल जो फायरब्रिगेड जो कर्मचारी थे, उन्होंने अपनी जान पर खेल कर आग में कूद कर और उनको, बच्ची को भी गोदी में उठा के और महिला को भी बाकायदा वहां से निकाला और दोनों की जान बचाई। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता ममता जुड़ी थी। दिल्ली में आज भी प्रदूषण से राहत नहीं, बड़ी खबर सामने आई है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में आज AQI 369 दर्ज हुआ। आनंद विहार में AQI 423, बवान में भी ज्यादा। रोहिणी में 419, वाजीरपुर में 413 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली में प्रदूषण से राहत नहीं, कई इलाकों में AQI 400 के पार। दिल्ली में आज AQI 369 दर्ज किया गया। आनंद विहार में AQI 423 और बवान में 404 दर्ज किया गया। रोहिणी में 419, वजीरपुर में 413 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई इलाकों में 4 से ज्यादा AQI दर्ज किया जा रहा है। दिल्ली में 369, आनंद विहार में 423, बवान में 404, नरेला में 396, वजीरपुर में 404, लगातार 400 से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है प्रदूषण का स्तर। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गृह कलेश के चलते पति ने पत्नी का गला रेता। 2 महीने पहले ही महिला ने दिया था एक बच्चे को जन्म। हत्या के बाद पति और उसका परिवार फरार। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना देहात कोतवाली के शेखपुरा का मामला बताया जा रहा है। सहारनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इस खबर पर मैं सबसे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता सोहेल जुड़ चुके हैं। सोहेल,
के विवाद बताया जा रहा है इसके पीछे। जी शिखा, मैं आपको पूरी बात बता दूं। सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के क्षेत्रपुरा कदीम मोहल्ला तेलपुरा का ये घटना है, जहां पर पति ने आज सुबह दिन निकलते ही महिला का जो है गला काटा, गला रेता, और उसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो गई और मौके से पति और उसके परिवारजन फरार हो गए। जबकि जांच में जो है पता लगा है, जो कि एसपी सिटी सहारनपुर ने हमें बताया, उसमें उन्होंने बताया है कि ये जो है घर का आपसी विवाद था, जिसमें पति जो है अपनी पत्नी को मायके नहीं जाने देना चाहता था, और इसी को चलते जो है जो पत्नी के भाई थे उन लोगों ने इस आरोपी पति के साथ मारपीट की थी, और इसी की जो है ग्रह क्लेश के चलते जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। जी शिखा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।